गाइज वेलकम है आपका एम टी बीट्स के इस यूनिक शो में जिसका नाम है एम टी बीट्स तेरी मेरी बातें। मैं हूं तनिष बागची आपका गेस्ट एंड होस्ट। तनिष्क गेस्ट एंड होस्ट असीस, सिर्फ मैं ही नहीं मेरे साथ तुम भी होस्ट करने वाली हो तेरी मेरी बातें। अरे एम टी बीट्स तेरी मेरी बातें एक बिल्कुल यूनिक शो है जिसमें जो गेस्ट है वही होस्ट है और जो होस्ट है वही गेस्ट है। अरे वाह यार, स्टार्ट करते हैं एम टी बीट्स तेरी मेरी बातें। तो स्टार्ट ऑफ मैं करती हूँ हमारे पहले सेगमेंट के साथ जिसका नाम है जानकारी। और इस सेगमेंट में हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब देंगे जिससे आपको हमारे बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगी, आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया? जैसे आपने स्टार्ट किया थोड़ा खुलकर बताइए प्लीज। मैं पायलट बनना चाहता था पहले। क्या बात कर रहे हो। हाँ, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि फैमिली उतना सपोर्ट, मतलब फाइनेंशियल नहीं था सपोर्ट, तो मॉम डैड से कहीं पैसे मांगता ही नहीं था। तो मैंने सिखाना स्टार्ट किया स्टूडेंट्स, छोटे छोटे स्टूडेंट्स कर करके मैंने पैसे कलेक्ट किए। फिर उससे मैंने सेटअप बनाया कंप्यूटर का। मैं सीडीज बनाता था कलकत्ता में, डीजेस जो बनाते ना गाने बना के देता था 200 रुपया 100 रुपया में। ऐसे ये कर करके कुछ पैसे कलेक्ट किए 30,000 रुपया। फिर आई केम टू बॉम्बे। देखो स्ट्रगल तो है ही, विदाउट स्ट्रगल ये जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, तुमको ही पता है। व्हेन वी स्टार्टेड बोलना यू कैन स्टार्ट सेइंग अबाउट योर स्ट्रगल। आप पायलट बनना चाहते थे, देखो पायलट बनते आप लोगों को उड़ाते इधर से उधर, अब आप अभी भी वही कर रहे हो, लोग आपके गाने सुन के उड़ते हैं यार मैं तो उड़ रही हूँ खैर जो मैंने करियर का स्टार्ट हुआ, आई स्टार्टेड विद सिंगिंग गुरबानी। क्लास 6 में मुझे याद है हम एक मूवी देखने गए थे, हम आपके हैं कौन, थिएटर्स में। वहाँ मैंने देखा माधुरी दीक्षित बहुत अच्छी लग रही है नाचते हुए, तो मैंने कहा यार मुझे इनके लिए गाना है। ऐसे स्टार्ट हुआ, वहां से ये सपना शुरू हुआ एक्चुअली। दोनों के फेवरेट हॉबीज? मेरा फेवरेट हॉबी सबसे इजी है, सोना और खाना, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती। हॉबीज ऐसा है कि सबका रहता है, कोई गेम होता है, कोई ये करता है, कोई गाना। मेरा हॉबीज है ना, मैं फोन पर जाता हूँ और प्रॉपर्टीज देखता रहता हूँ। खरीद हुआ नहीं लेकिन मैं प्रॉपर्टी जरूर देखूंगा। नहीं पैसा ही बहुत है इसलिए। मेरा क्वेश्चन है एक ऐसे आर्टिस्ट जिनके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं। बाबा साइकिल के साथ करना चाहता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग आंसर, नाइस। आई फील लाइक आई शुड कोलैबोरेट विद टेलर स्विफ्ट। सो दोनों का फेवरेट स्ट्रीट फूड? गोलगप्पे, पानी। अरे गोलगप्पे बहुत अच्छे लेकिन मुझे रोल्स अच्छे लगते हैं। यम यार, यम जंक फूड जितना मर्जी खिला लो हमें। राता लंबिया गाना इतना चल रहा है ना, इतना लंबा चल रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी दो, मतलब इनसाइड स्टोरी। ये गाना जब मैं बना रहा था तब मैंने दो गाने बनाए थे। वाओ। एक था राता लंबिया और एक था कितने चलिए। तो अभी दोनों के हुक नहीं बने थे तो अजीम को बुलाया। एंड यू नो अजीम वेल। अजीम बेटा बोला गाना सुना बेटा। मैंने गाना सुना, बोले एक काम करो दोनों जोड़ दो, थोड़ा अंतर भी हो जाएगा गाना का। मतलब अपने एक गाने में मतलब दो गानों के मजा, दो गाने का मजा दे। कभी डबल डबल स्पीड पर चल रहा है हमारा गाना। फिर आप आ गए उसमें। किल मैरी हुकअप, सिद्धार्थ मल्होत्रा, विकी कौशल एंड रणबीर कपूर। ईश, रणबीर कपूर ऑब्वियसली आलिया के साथ, तो किल मेरे किसी काम के नहीं। मैरी सिद्धार्थ एंड हुकअप विकी कौशल, वो तो होना ही था, मुझे पता ही था। ये आपको कैसे पता था? क्योंकि सिद्धार्थ अभी है हॉट केक। मेरे पास भी है क्वेश्चन और इससे मुश्किल ऑप्शंस दूंगी मैं। किल मैरी हुकअप, कियारा अडवाणी, आलिया भट्ट एंड नोरा फतेही। मैं चीटी मारता नहीं, उनको लगता है भी किसी को औरत को मारूंगा ऐसे, तुम पागल हो। नोरा तो आउट ऑफ क्वेश्चन है क्योंकि वो मेरी सिस्टर है, तो कियारा आई थिंक इज जो तुम सोच लो जो भी है। दिस इज एमटीवी बीट्स तेरी मेरी बातें और अब टाइम है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट का जिसका नाम है फोन हैक। एमटीवी बीट्स ने हम दोनों के फोन्स हैक कर लिए हैं और अब हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी चीजें जो आप हमारे फोन में देखना चाहते हैं। तनिष्क प्लीज हमें आप सेकंड लास्ट पिक्चर फ्रॉम योर गैलरी दिखाइए। आए हाय कमाल, कमाल है ना, दिखा दो। सो ये फोटो है मेरा को सांबुई में और इधर बैठ के मैंने फोटो लिया। अच्छा अभी तुम दिखाओ। सी अरे ये तो मेरे फेवरेट, ये क्या है, ये कौन है ना, कौन है? दिस इज द बारबेक्यू। मैं आपको पता है मैं फूडी हूँ। अच्छा अपना होम स्क्रीन दिखाओ। ये देखिए, अरे बाप रे बाप, बताओ मेरे होम स्क्रीन में तो मेरे पापा है। वाओ। So five most used emojis. This is very interesting क्योंकि हम हमेशा सिर्फ टेक्स्ट में बात करते हैं, कभी इमोजी मुझे तनिष ने भेजा नहीं है। अपने five favorite बताओ। पहला तो अच्छा माफ कर दीजिएगा, thank you। Second है very good। Third है
हार्ट्स भेजता हूँ, सुपर भेजता हूँ, अच्छा ओके नंबर वन भेजता हूँ, वो स्वाइप अप कर करके आदत होती है मेरा वो जो वो पपी फेस होता है ना, वो ऐसे क्यूट सी आंखें होती हैं वो वाला, और वो हग रेड हार्ट्स के अलावा बहुत सारे कलर्स के हार्ट्स होते हैं वो, दैट स्माइली जिसके आंखों में दिल है। लास्ट टेक्स्ट मैसेज यू सेंट, दिस इज इंटरेस्टिंग, आई लव दिस। इन्होंने रियो को भेजा है, वो भी कुछ मीम भेजा है। माय लास्ट मैसेज इज वेरी सेफ, माय मम्मा, मैंने लिखा आप बता दो क्या लिखा, वी विल हैव सूप फॉर डिनर, इधर भी खाना। MTA Beats, तेरी मेरी बातें पर हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है फिल्मी पिक्शनरी, जहां हम दोनों बॉलीवुड की कुछ फेमस मूवीज ड्रॉ करेंगे विद इन 30 seconds। इट्स टाइम फॉर फिल्मी पिक्शनरी ऑन MTA Beats, तेरी मेरी बातें। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ। इज थिंकिंग ओनली फॉर 30 seconds, दिखा दो। ये लो, अभी समझ लो क्या है ये। या मुझे क्या समझाने की कोशिश करूँ, कुछ बता बता। हाँ। ये बताओ क्या है, मुझे केक लग रहा है, इसमें से धुआं निकल रहा है। हाँ, तो और गेस करो। धुआं है। हाँ, धुआं है। मुझे हर जगह खाना क्यों दिखता है? नहीं नहीं, खाना मत देखो, खाना नहीं है ये। और ये क्या है, मगर ये कोई जा रहा है ऊपर, कोई जा रहा है। मूवी का नाम धुआं इसमें है कि इसमें किधर है? एक एलिमेंट है इसमें। अच्छा ओके, तो ये कुछ जा रहा है इसमें से, जा रहा। तो ये एक सेकंड, कुछ जल रहा है, लेटा, रू निकल रही है, रू रू रूही रूही, यस थैंक यू ओके। ड्राइंग है आपके लिए, ये टिक है। हाँ, और ये क्या? दो वर्ड, लाइक दिस इज लाइक टू वर्ड्स। अच्छा, टू वर्ड्स। ये क्या है यार, बहुत ये पानी है। नहीं, थोड़ा और कुछ लिख दो ना, ड्राइंग कर दो थोड़ा, थोड़ा सा इसको थोड़ी और ड्राइंग करूं। अब इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दे सकती कसम से। बुलेटिन। हाँ। सही खबर। खबर, हाँ खबर। खबर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे अपना ही पिक्चर है तो गुड न्यूज। मैं अभी ना कुछ ड्राइंग करने वाला हूँ, मेरे को जज मत करना। मैंने पिछले में भी नहीं किया। ये देखो। ओके। एक बिल्ली पिक्चर आई है। बताओ यार, एक एक है, वन एक वन वर्ड है, वो गैप है, तीन वर्ड का है। हाँ। बिल्ली तो नहीं है ऑब्वियसली, किसी नाम पे बिल्ली, बिल्ली की फैमिली, बड़ी बिल्ली, टाइगर, टाइगर एक था, टाइगर ही। आपको भी थोड़ा घूमना पड़ेगा। म्याऊ है, म्याऊ नहीं यार, बहुत बहुत रिसेंट है ये। चलो कैट की फैमिली में जाओ। टाइगर नहीं है, लायन नहीं, शेर नहीं, शेर, शेरशाह। ये है MTA Beats, तेरी मेरी बातें, और अब टाइम है एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट का, जिसका नाम है तेरी मेरी परीक्षा। इसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि हम दोनों एक दूसरे को कितना अच्छे से जानते हैं। तो परीक्षा शुरू करते हैं। तो बताओ मैं कितने साल का हूँ? 35, 40, 27? 35 आसपास है, लेकिन ठीक है, ठीक है ना, आसपास ठीक है, थैंक यू। अच्छा, व्हाट इज माई हाइट? ऑप्शन तो दो यार। अच्छा, 5'6", 5'9" 6'1" बोल तो बोल दो क्या होता है। 5'9" मेरा बोलने का मन है, 5'6" हो आप, ठीक है, चलो चलो। अच्छा ये बताओ, हु इज माय फेवरेट म्यूजिक कंपोजर? अमित त्रिवेदी, शंकर महादेवन, AR रहमान। ये तो तुम ऐसे ही बोलते हो। AR रहमान, इट हैज टू बी हिम। यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। माय डेब्यू ईयर एज अ सिंगर 2008, 2011 या 2014? मेरे 2014 ही है। हाँ सही, एग्जैक्टली। मेरा बर्थ प्लेस क्या है? पानीपत, पंजिम, पुणे। पानीपत। यस, राइट आंसर। दिस इज नाइस। व्हाट इज माय ज़ोडियक साइन? जो आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपको मेरा बर्थडे ही नहीं याद रहता। पूछा ही नहीं मैंने। जेमिनी, लीब्रा या वर्गो? वर्गो। तो इस नहीं, मैं बोल नहीं रहा था, मैं तो ऐसे ही पिक रहा था, लीब्रा। सो यस, आई थिंक हम एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, और अब इसी के साथ लोग भी हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। सो दिस वाज इट। अब हम ऑलमोस्ट शो के एंड पर आ चुके हैं। दिस इज द फाइनल सेगमेंट ऑफ MTA Beats, तेरी मेरी बातें, एंड आई थिंक ये सबसे इजी सेगमेंट है, क्योंकि इस सेगमेंट में हम सिर्फ पोस्ट करेंगे, क्योंकि इट्स सेल्फी टाइम। चलो यार, फिर एक सेल्फी हो जाए, एक क्रेजी वाला सेल्फी लेते हैं, फुल एक्सप्रेशंस के साथ। So guys, this was Tanish Bagchi and Asis Kaur on MTA Beats, तेरी मेरी बातें। I hope आप लोगों को हमारे बीच की ये बातें अच्छी लगी, and total fun और entertainment के लिए देखते रहिए
तेरी मेरी बातें ओनली ऑन MTV Beats.